जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलग अलग वार्ड्स की हम आपको हर दिन जो है कोई ना कोई खबर दिखाते हैं। आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पर मोहल्ला पहाड़ियाँ से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से कि किस तरह से वार्ड नंबर 10 जो है वो यहाँ पर काम चलता है म्युनिसिपैलिटी का। दूसरी बात ये है कि कई सारे इलाके यहाँ पर आते हैं, खिलौने वाली गली से लेकर रानी पार्क, मोती बाज़ार, पुरानी मंडी का कुछ इलाका आता है। उसके अलावा ये बहुत इस तरह से इलाका फैला हुआ है कि मैक्सिमम मेन मुख्य बाज़ार ही यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे लोग दूर दराज से यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आते हैं, परचेजिंग के लिए आते हैं। तो वार्ड में कितना काम हो रहा है, लोग क्या कहते हैं अपने वार्ड को लेकर, आइए उनसे सुनते हैं। वार्ड नंबर 10 रानी पार्क का इलाका जो है, ये हम उस जगह पर हैं और बिल्कुल ठीक मेरे यहाँ पर ये जो सड़क है रानी पार्क को जाती है, यहाँ पर ये गुरुद्वारा साहिब भी हैं, लेकिन ये फिलहाल जो जितना मलबा पड़ा हुआ है, ये गली का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसके बाद पूरी गली में ये मलबा पड़ा हुआ है। आप घर के बाहर इतना कचरा पड़ा है? हाँ जी भैया, पड़ेगा तो आया थे, कचरा चुकते नहीं है, इनकी करना है फिर। बोरियों में मतलब ये इसमें क्या रखा हुआ है? ये मलबा ही है। मलबा ही है? हाँ जी। और सामने बाथरूम भी है आपके घर के? हाँ जी। ये कितने गंदे हुए थे, ठीक करवा के नहीं देते, कितने बार बोले ना ठीक नहीं करके देते। जानता कौन है बाथरूम से? ये सारे साढ़े फैम पूरी गली है साढ़े वास्ते, इन्हें वास्ते बाथरूम बनवाए देने ना। गुरुद्वारे दे कोल नहीं गंदगी? हाँ जी। और ये गल है ना, ठीक नहीं करके देंदे हैं बस। सफाई वाला आंदा कोई? सफाई झाड़ू वगैरह मारे? हाँ झाड़ू वाला आंदा भी कभी कभी, एक तीन चार दिन बाद आंदा, रोज नहीं आंदा। देने वो नालियां वगैरह कटन ले जरा वो भी? हाँ जी वो भी। हाँ जी। लाइट्स वगैरह लगी है ना इतने पोल के ऊपर खंभे आते? हाँ ये लगी थी। लगी है, लेकिन समस्या सबसे ज्यादा यही है जेड़े इधर टेर। हाँ जी, ये सारे बाथरूम की समस्या है। बाथरूम की समस्या, बाथरूम की समस्या है। और यहाँ पर ये जिस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, गली ये उखड़ी है, काफ़ी देर की रिपेयर नहीं हुई है, लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही समस्या आ रही है। एक दृश्य ये भी है वार्ड नंबर 10 का, जहाँ पर सीवरेज की पाइप्स तो बनाई गई हैं, लेकिन वो बनाने के बाद गली रिपेयर नहीं की, टाइलें उखड़ी हैं वैसे ही छोड़ दी, और अभी जब बरसातें आती हैं तो यहाँ पर इतनी स्लिप हो जाती है, कई बार यहाँ पर छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं वो गिर जाती हैं, और ये मलबे का ढेर आप दूर तक देख सकते हैं। रानी पार्क के आसपास रहने वाले कुछ बाशिंदे हैं मेरे साथ, क्या नाम है आपका? हीरा सिंह जी। हीरा सिंह जी, मुझे बताइए ये इस जगह कब से ऐसी हालत है? ये सर बहुत देर से, अब सीवर बना रहे हैं, बड़ी देर से असी कहा MLA नु बहुत इलेक्शन वोटा लेना आते नहीं, गलियां बनाते नहीं, बहुत परेशानी, बहुत नालियां तो मच्छर आंदा ना गंदे, तो मतलब ये मलबे पेर नाल नालियां बंद हो गई ना, जाम हो गई ना। हाँ जी। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਿਆ ਸਿਵਰ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਵੇਲੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਯਾਰ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਤਾਏ ਕਿ ਇਹ ਉਸਕੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਗਲੀ ਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਬੀਚੋ ਬੀਚ ਰਾਨੀ ਪਾਰਕ, ਇਤਨਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਆਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਹਮਾਰਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੜੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਯਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਏ ਬਸ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੀ ਮੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦ ਡਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਾਲੀ ਹੈ। तो गली बनाने वाले को चाहिए, जब मलबा ही उठाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अब तो गली बन गई है, जो नई टाइलें डालनी है तो प्लस्तर भी बन कर सा सकते हैं। हाँ, कॉर्पोरेटर वगैरह तो चक्कर आज आया हुआ था, बोलता उठा लेंगे, पर आज नहीं आए, नहीं उठाए। उससे पहले आए थे बीच में? बीच में आते रहते हैं, पर जब मलबा नहीं उठेगा। और टॉयलेट वगैरह बाथरूम आप लोग कहाँ जाते हैं? बाथरूम हमारा उधर है, सरकारी है या खुद? सरकारी है। इसकी साफ सफाई के लिए कोई कोई नहीं आता ये? तो फिर कैसे कराते हो? खुद ही करते हैं, तो खुद ही करवा देते हैं, थोड़े थोड़े पैसे। चार बाथरूम में आप लोगों का सबका हो जाता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किसी किसी घर में है, किसी किसी घर में नहीं है। मतलब ये आम लोगों के लिए भी है, सिर्फ आप लोगों के लिए? हमारे लिए ही है। हाँ जी। कितने परिवार जाते हैं इस बाथरूम में? काफी जाते हैं। तो ये मसला है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको शौचालय तो बना के दिए गए हैं बहुत वक्त पहले, लेकिन ना उसके अंदर लाइट है, ना उनके दरवाजे रिपेयर हुए हैं, साफ सफाई ये लोग खुद करवाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये सड़क की हालत है, जो कि काम तो सीवरेज का हुआ, मलबा डाल दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप, दरवाजे टूटे हुए हैं, इसी तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, ये बना के दिए हैं लेकिन इनकी मरम्मत नहीं हुई है, और कभी भी ये लोग ये भरभरा के गिर सकते हैं, और यहाँ पर ये कुछ पोर्शन इसका गिरा भी हुआ है। ये हालत है वार्ड नंबर 10 की। कौन ध्यान देगा इसकी तरफ? ये जवाब तो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनको ही देना होगा कि उनको जब चुना हुआ है तो वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। वार्ड नंबर 10 में खिलौने वाली गली बहुत फेमस है, और बहुत लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं। ये भी बड़ा ऐसा एरिया है जिसको साफ़ सफाई की ज़रूरत है। यहाँ भी कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ की असल हकीकत क्या है, क्या सफाई होती है समय पर या नहीं। कई सारी यहाँ पर ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, खासतौर पर कपड़े से जुड़े हुए, और रिहायशी इलाका भी है। सर क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, मुझे बताइए, काफ़ी चलती गली है ये, बहुत लोग आते हैं, और साफ़ सफाई की बात करें बहुत
कूड़े को लेकर बड़ी समस्या बनी रहती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है भैया, ये तो मार्केट जो है वो बहुत पुरानी है, 60-65 साल की ये मार्केट है और सिटी में सबसे पुरानी मार्केट कपड़े की है ये, सब ये खिलौने वाली गली है और ये दुकानें काफ़ी देर से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से कर रहा है। इतना पहले कभी जिसका गंदगी का मतलब के आलम नहीं रहा है जितना अब 7-8 साल में हो रहा है। और आप देखो ये टाइलें टूटी हुई हैं, गली में गंद है, नाली हैं, वो बिल्कुल ब्लॉकेज है पूरी, उसमें पूरी सिल्ट भरी हुई है, कोई इसको साफ़ नहीं करवाता है। बहुत बार हमने यहाँ अप्रोच की है, उनको मिले हैं हम, मगर कोई बात सुनने को तैयार। मेरे साथ यहाँ पे एक शॉपकीपर है, सर क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक जी मुझे ये बताइए, पहाड़ी मतलब हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए, कपड़े जूते के स्टाइलिश कपड़े मिलते हैं, वार्ड की क्या फिलहाल की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर? बाढ़ की जो सिचुएशन ठीक ही है, ये है कि बाढ़ में सफाई सफुई सब करवा रहते हैं कारपेंटर साहब, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि ये थोड़ी सी डेवलपमेंट थोड़ी कम है, टाइलें शाइलें हिली हुई हैं, वो रिपेयर करवानी पड़ेंगी वो रिपेयर बस। अच्छा। बाकी कारपेंटर साहब की कोई नहीं, वो आते हैं डेली आते हैं, राउंड लगाते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कपड़े की दुकानें हैं, पॉलीथीन वगैरह बहुत निकलते हैं दुकानों से, वो साथ साथ उठा लिए जाते हैं? नहीं, वो डस्टबिन लगाए ना म्यूनसिपैलिटी वालों ने। अच्छा, लगाए हुए हैं डस्टबिन सर, हर दुकानदार को दिए है। सुबह ऑटो आता है, डस्टबिन सारे दुकानदार डाल देते हैं उसमें, तो ले जाते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू को स्मार्ट बनाने की मुहिम में जुटा हुआ है, तो लग रहा है कि पहाड़ी मतलब अब स्मार्ट हो रहा है? हाँ हाँ, वो म्यूनसिपैलिटी वाले कर रहे हैं कोशिश, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड हैं म्यूनसिपैलिटी वालों से भी। वार्ड 10 में हमने जाकर अलग अलग जगहें देखी, लोगों से भी बात की और कई समस्याएं सामने आई। इन्हीं समस्याओं पे बात करने के लिए हमारे साथ इलाके के काउंसलर हैं अनिल जी। अनिल जी, सबसे पहले आपको स्वागत करना चाहूँगा। कई सारे अलग अलग एरियाज़ में हम गए थे क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, अगर हम पहाड़ी मोहल्ला से बात करें, रानी पार्क का एरिया आ जाता है, उसके अलावा और बहुत सारा एरिया, खिलौने वाली गली आ जाती है। सबसे पहले हमने शुरुआत पहाड़ी मोहल्ला से की, वहाँ पर एक बस मोहल्ला है पूरा, उनका शौचालय, क्योंकि लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं है, वो बाहर टॉयलेट हैं, वो उनकी टॉयलेट की प्रॉब्लम है और साफ़ सफाई का भी इशू है। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि उस इलाके के लिए क्यों मतलब दिक्कत, क्योंकि लोगों के घर में तो टॉयलेट भी नहीं है, बाहर जाते हैं वो जो बने हुए हैं, उसमें भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। नहीं नहीं, वो ठीक है आपकी बात, वो प्रॉब्लम तो वहाँ पर आती है, लेकिन अभी हमने वहाँ का जो लेन ड्रेन का जो सिस्टम था उसको सुधारने के लिए हमने रिसेंटली एक उसका टेंडर भी फ्लोट किया था और उसको अलाटमेंट भी हो गई है, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं मतलब उसको टेक्निकली हमने उसको रोका। रोकना इसलिए पड़ा कि वहाँ पर थोड़ा PHE की पाइपों की प्रॉब्लम थी, तो मैं नहीं चाहता था कि अगर हम आज वो गली बना लें, उसकी लेन ड्रेन वगैरह जो बाथरूम की रेनोवेशन है वो करवा दें और उसके बाद PHE वाले आ जाएं, वो तोड़ने आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर पानी की पाइपों की प्रॉब्लम है और उन लोगों की डिमांड है कि वहाँ पर एक PHE की पाइप जो है हमें 6 इंची पाइप या 4 इंची पाइप जो डाल दें। उसके लिए मैंने PHE वालों को बोला भी है और जल्दी वो काम शुरू करेंगे, जैसे ही PHE वालों 8-10 दिन जैसे ही काम करेंगे उसके बाद गली का। और इसका मैं आपको बता दूँ, मीडिया के थ्रू आपको बता दूँ कि 10,34,000 का वहाँ पर काम था, वो सेंक्शन हो चुका है, अलाटमेंट हो गई है और जल्दी जैसे ही PHE का काम, वो पाइप वाला काम शुरू हो जाता है, ख़त्म होता है, उसके बाद हमने इनका पूरा जो मोहल्ला है उसमें लेन है, ड्रेन है, रेनोवेशन है, वो सारा उसमें रखा है और वो जल्दी वो पूरा करवा देंगे। पैरेलल इसके साथ ही अगर मैं रानी पार्क की बैक साइड गुरुद्वारा वाले इलाके की बात करूँ, वहाँ भी टॉयलेट की एक प्रॉब्लम है, लोगों के घर में नहीं है, बाहर जाते हैं। दूसरा, गली का काम हुआ था सीवरेज की, टाइलें रिपेयर नहीं हुई क्योंकि वो उखाड़ी गई थी सीवरेज की, और मलबा बहुत पड़ा हुआ है, वो समस्या था। वो जो आप जो जिस गली में आप गए ना रानी पार्क में, वो अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ, अभी उनका थोड़ा सा काम रहता है और टाइलें उन्होंने ज़रूर उखाड़ी हैं अभी, लेकिन ये कोई ज़्यादा पुराना काम नहीं है, 3-4 दिन पुराना काम था, पीछे बारिश आ गई। कल भी वहाँ पर ठेकेदार गया था, रात को ट्राली आई थी लेकिन बारिश बहुत थी, वो उठा नहीं गया। और आपने देखा होगा कि वो खुला और नहीं रखा उन्होंने मलबा, तोड़ों में भरकर रखा हुआ है, और आज शाम को अगर आप देखेंगे, कल विजिट करेंगे तो वो मलबा जो है वो उठा लिया जाएगा। अगर मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा, जम्मू को स्मार्ट बनाने की मुहिम चल रही है, वार्ड्स में बहुत ज़्यादा काम है जो कि हम कह सकते हैं उसमें वक्त भी लग रहा है, लोगों को दिक्कत परेशानी भी आ रही है, लेकिन कितना टाइम लगेगा अगर हम बात करें हमारे वार्ड्स को स्मार्ट बनाने में, वहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ये निपटारा के लिए, एज ए काउंसलर आपको क्या लगता है कितना वक्त और लग सकता है आने वाले समय में? देखो, काफ़ी चीज़ें सुधार रहे हैं, पहले जब आते थे यही 2-3 गाड़ियाँ आती थी GMC की, आप भी देखते हैं, कूड़ा उठाती थी, थोड़ा सा रास्ते में
गिरता जाता था। आज हमारे पास 100 से ऊपर ऑटो है, कोशिश कर रहे हैं, व्हील बैरो मंगवा रहे हैं, ऑटो मंगवा रहे हैं, घर घर सुविधा लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संकरी गली है। तो हमने वार्ड नंबर 10 में आकर हर जगह जाके देखने की कोशिश की, चाहे हम खिलौने वाली गली गए हों या फिर रानी पार्क का इलाका हो, मोती बाज़ार हो, अलग अलग तमाम पुराना शहर है और ख़ासतौर पर पहाड़ी मल्ला, यहाँ पर पूरे जम्मू से लोग आते हैं, कपड़े के शौकीन लोग, यंगस्टर बहुत आते हैं। और सबसे बड़ी बात है छोटी छोटी गलियाँ नालियाँ यहाँ पर हैं और कई जगह ये समस्या भी है, इस तरह से नाले हैं और नालियाँ निकलती नहीं हैं, निकाली नहीं होती हैं, टाइल्स लगी हैं वो हिल चुकी हैं, उनसे पानी निकलता है बाहर जब बारिशें आती हैं। और वार्ड में कई जगह जो हमने समस्या देखी, जहाँ पे भी रिपेयरिंग का काम हुआ वहाँ पर मलबा उठा के एक साइड पर रख दिया गया, उठाने का नाम नहीं लिया जा रहा। कई जगह पीने के पानी की समस्या है, मेन बाज़ार है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पर प्रॉपरली सफाई नहीं होती, अगर हम बात खास तौर पे खिलौने वाली गली की बात करें तो। वार्ड तो बहुत बड़ा है और दायित्व जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर है कि इसको साफ़ सुथरा बिल्कुल इस तरह से रखें कि जब भी बाहर से लोग आते हैं उनके मन में एक ऐसी इमेज बने कि जम्मू वाकई स्मार्ट बन रहा है। लेकिन मिली जुली रिएक्शंस और ज़्यादातर लोग खफा ही हैं कि काम इस वार्ड में सही तरीके से नहीं हो रहा है और दिक्कतें उनको फेस रोज़ाना करनी पड़ती हैं। विजिलेंस दीपन यादव के साथ ख्वाहिश पटियाड़, वार्ड 10, जम्मू।